हाय स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं लेके आ रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस कल का न्यूज़पेपर 15 अप्रैल 2024 में एक न्यूज आर्टिकल आया है जिसमें आई एम बैंगलोर के प्लेसमेंट फिगर्स रिवील किए गए हैं। सो टोटल 516 स्टूडेंट्स, 516 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है इस साल आई एम बैंगलोर के अंदर इन द पीजीपी प्रोग्राम एज वेल एज पीजीपी बीए प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम्स में 516 स्टूडेंट्स को प्लेस करवाया आई एम बैंगलोर ने। सबसे अच्छी बात, 163 रिक्रूटर्स एक्चुअली केम ऑन द कैंपस। कैंपस पे 163 रिक्रूटर्स इस बार आए और मीडियन सैलरी भी रिवील कर रहा है इंडियन एक्सप्रेस एंड बैंगलोर की, दैट इज 32.5 लाख रुपीस पर एनम। कहा जा रहा है कि ये रिसेशनरी फेज है, आईएम्स इसको बेयर नहीं कर पाएंगे और क्लियर दिखा इस बार के प्लेसमेंट्स आई एम बैंगलोर के प्लेसमेंट्स में भी, क्योंकि वहां के चेयरपर्सन ने क्लियर कहा कि इस बार ये काफी चैलेंजिंग फेस था और थैंक्स किया है स्पेसिफिकली एसेंचर को। एसेंचर को थैंक्स किया है क्योंकि उन्होंने 58 ऑफर्स दिए हैं आई एम बैंगलोर के स्टूडेंट्स को। कहां कहां? ग्लोबल नेटवर्क्स में, इंडियन मार्केट यूनिट्स में और डेटा एंड एआई के अंदर। सो तीनों यूनिट्स में उन्होंने 58 ऑफर्स दिए जिसका थैंक्स कहा आई एम बैंगलोर ने एसेंचर को। एक और बात, अच्छी बात, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स का नंबर आज तक का सबसे हाईएस्ट गया है। सो 29 स्टूडेंट्स एक्चुअली गॉट द इंटरनेशनल प्लेसमेंट ऑफर्स और बाकी 487 स्टूडेंट्स को इंडियन कंपनीज ने इंडिया में ही ऑफर दिया है। अगर बात की जाए कंसल्टिंग की तो वहां पर सबसे ज्यादा ऑफर्स आए हैं, 218 ऑफर्स। इसके बाद BFSI का नंबर लगता है, वहां पर 81 ऑफर्स थे। डिटेल रिपोर्ट हम अवेट कर रहे हैं, आई एम बैंगलोर की वेबसाइट पे आ जाएगी, देन वी विल बी कमिंग अप विद अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस एज वेल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सुपर क्रैक्स कैट को बिल्कुल मत भूलिएगा और जो वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में डाल दो, टीम इज गोइंग टू कम अप विद द सेम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।